नमस्कार, उमा रमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, वीकली का टेप रीडिंग करते हैं। वीकली चार्ट रीडिंग जो हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और हम और आप समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी ने क्या किया लास्ट वीक, किस तरह का चार्ट फॉर्मेशन बनाए, किस तरह का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाए, क्या टेक्निकल एनालिसिस की कुछ थ्योरी वहां पे एप्लीकेबल हो रहे हैं। इन सारी चीजों की डिटेल्स में हम एनालिसिस करते हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों के साथ एक टू वे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या समझ रहे हैं और आप क्या समझने की कोशिश कर सकते हैं। और आप अपने कमेंट हमें इसलिए भेजा करें कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या व्यू बना रहे हैं और क्या क्या आपको दिख रहा है। देखिए, मार्केट वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, हम तो यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करते नहीं है। तो हम जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं वो बेसिकली एक चार्ट रीडिंग होता है, एक केस स्टडी के रूप में हम लेते हैं और किस तरह से एक्चुअल में आपको प्राइस पैटर्न जो है वो आपको समझना चाहिए, इंटरप्रेटेट करना चाहिए, किस तरह से थ्योरी, टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल होती है चार्ट्स पे, ये सारी बारीकियां जो है वो हम अपने इस वीकली सीरीज में आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। केस स्टडी के लिए कुछ मेजर इंडाइसेस आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। यदि अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, एक व्यू फॉरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मार्केट एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, तो हम दोनों तरह के व्यू इसलिए शेयर करते हैं। एक अपवर्ड भी होता है, एक डाउनवर्ड भी हो सकता है और एक यदि ट्रेडिंग रेंज की प्रोबेबिलिटी बनी तो वो भी हो सकती है। तो ये तीनों है और इंटरनेशनल मार्केट का गोल्ड, सिल्वर और डाउ, ये कुछ इंडेक्सेस हैं जो हम आप लोगों के साथ इस टेप सीरीज में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आज आइए निफ्टी की शुरुआत करते हैं। निफ्टी का सबसे पहले तो हम आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुके हैं कि यदि निफ्टी या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, अभी हम निफ्टी है इसलिए निफ्टी बोल रहे हैं, जो ट्रेंड आपको देखना हो लास्ट टाइम फ्रेम में, जैसे अभी वीक खत्म हुआ है तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, तो उसके कैंडलस्टिक के बॉडी को जरूर देखिए। बॉडी आपको बताता है कि मार्केट लास्ट टाइम फ्रेम में, जैसे अभी हम वीकली कर रहे हैं, तो लास्ट वीक निफ्टी ट्रेंडिंग था या वो ट्रेडिंग रेंज में था, तो बॉडी छोटी बनेगी। यदि मार्केट ट्रेंडिंग रहेगी तो बॉडी बड़ी बनेगी, कलर अलग हो सकता है। मार्केट यदि गिरेगा तो रेड हो जाएगा, मार्केट चढ़ेगा तो वो ग्रीन हो जाएगा, लेकिन बॉडी बड़ी बनेगी। तो इस चीज पे मैं इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं कि कैंडलस्टिक में बॉडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये चीज आप जरूर देखिए और ये आपको यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे लास्ट वीक आपको एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट आपको देखने के लिए मिला था और ये एक कंटिन्यूएशन होगा। क्यों? क्योंकि तो यहाँ पे एक ट्विजर बॉटम टाइप का बना, फिर यहाँ से हायर लो बना और ये हायर लो का जो है वो कंटिन्यू हुआ। तो वीकली चार्ट पे एक्चुअली आप देखें तो हायर हाई और हायर लो का आपको शॉर्ट टर्म प्राइस पैटर्न आपको दिखाई दे, पर मेजर ट्रेंड यदि देखे तो मेजर ट्रेंड देखने के लिए हमने आप लोगों के साथ थोड़ी जो है बताया हुआ है कि दो स्विंग देख लीजिए और दो स्विंग लो देख लीजिए, दो स्विंग है दो स्विंग लो, इसका स्लोप आप निकालने की कोशिश कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मेजर ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे हमको लोअर हाई और लोअर लो फॉर्मेशन दिख रहा है, तो मेजर ट्रेंड जो है डाउ थ्योरी के हिसाब से, वैसे दोस्तों डाउ थ्योरी पे भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, पूरी डिटेल्स में उसके जितने भी पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया है किस तरह से उसका वॉल्यूम का कोरिलेशन है डाउ थ्योरी का, वो सारे चीज भी जो है वो हमने डिस्कस कर रखा है। तो आप उस वीडियो को डिटेल एनालिसिस के लिए वो देख सकते हैं। तो एक्चुअली यदि देखे जाए डाउ थ्योरी के हिसाब से मेजर ट्रेंड डाउन है, क्योंकि दो स्विंग से हम लोअर हाई और लोअर लो फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो ये एक्चुअल में एक बाउंस माना जाएगा, ये डाउन ट्रेंड का एक बाउंस माना जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको ये अप मूव दिख रहा है। वीकली चार्ट पे आपको 3 वीक का आपको हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था, प्लस बॉडी जो बनी है वो बहुत ही ट्रेंडिंग बनी है। तो यदि मार्केट करेक्ट होती है तो चूंकि बॉडी बहुत बड़ी बनी है तो आपको फॉर ए ब्रीफ पीरियड भी सपोर्ट आपको दिखाई दे सकता है आपको इंट्राडे चार्ट्स पे आने वाले समय में। ये हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं चूंकि बॉडी वीकली कैंडल की बहुत बड़ी बनी है, यानी कि ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट था। तो जब कभी भी ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट होता है तो नेचुरली यदि करेक्शन होता है उस ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट का, यहाँ पे अप है तो ग्रीन का, तो यदि आएगा तो बाइक डिप,
की प्रोबेबिलिटी बनती है, यदि वो रेड कैंडल होता तो सेल द बाउंस की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ये एक चीज है, एक आपको ये एक थ्योरी था। और यदि हम आज इसको कोरिलेट करेंगे टेप रीडिंग में, देखिए प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए टेप रीडिंग तो एक प्राइस चार्ट है, कैंडलस्टिक को हम रीड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी को किस तरह से बढ़ाया जाए, प्राइस एक्शन को किस तरह से हम कोरिलेट कर सकते हैं किसी थ्योरी से, तो उसके लिए हमने फिबोनाची सीरीज को भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा है मूविंग एवरेज, वो भी डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के साथ हम देखने की कोशिश करते हैं कि यदि सपोर्ट यहाँ पे लिया है तो कौन से मूविंग एवरेज पे लिया है, अभी क्या चल रहा है, छोटा टाइम फ्रेम में किस तरह का आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो ये सारे चीज जो है वो आप लोगों के साथ अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमारा बाउंस अभी चल रहा है, यदि मेजर ट्रेंड को देख, मेजर ट्रेंड डाउन और ये उसका बाउंस माना जाए। तो ये हमारा वीकली कैंडल पे, हम एक्चुअली आइए डेली कैंडल पे जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि डेली कैंडल में भी सिंपल जो है वो आपको ये वीकली यदि कैंडल में जाएंगे तो वो आपको यहाँ से दिखेगा, तो ऑब्वियसली आपको ये आपको एक साइन मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज देखना है, सबसे पहले तो उसको ये वीकली चार्ट पे हम चले जाते हैं, जो मैं आपको यदि वो दिखेगा तो ज्यादा अच्छे से कंफर्म हो पाएगा। दोस्तों एक चीज देखने की कोशिश कीजिए, एक चीज देखने की कोशिश कीजिए कि मार्केट ने एक सपोर्ट यहाँ लिया मार्च में, दूसरा सपोर्ट यहाँ लिया जिसको उसने ब्रेक डाउन दिया, लेकिन ब्रेक डाउन सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल का आया, फॉलो थ्रू हमको वीकली कैंडल पे देखने को नहीं मिला। तो क्या ये फॉल्स ब्रेक डाउन था? यदि ये फॉल्स ब्रेक डाउन था तो हमको कंफर्मेशन कहाँ मिली? यदि क्योंकि फॉलो थ्रू तो हमको देखने को नहीं मिला, एक ही कैंडल से डाउनवर्ड गया था, लेकिन यदि क्यों गया था और क्यों वापस आया, तो यदि सिर्फ चार्ट पे यदि देखेंगे, हम उसे कोरिलेट भी करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिखेगा 6-8 वीकली कैंडल। इट मींस यहाँ पे आपको 2-3 महीने का आपको कंसोलिडेशन दिखा, और वो आपको यहाँ पे टेम्पररी उसके हाई पे पहले सपोर्ट लिया, फिर उसके लो को ब्रेक किया, और फिर नेक्स्ट से जो है वो वहां से घूम गया। लेकिन ये सपोर्ट जो है वो प्रीवियस आपको 8 फरवरी का जो हाई था 15,431 वीकली हाई 15,431, और अभी देख लीजिए कि 15,183 के से थोड़ा सा उसको ब्रेक करके वहां से ये घुमा है। तो ये प्राइस का देखिए, हमने आप लोगों को इससे पहले भी कई बार बोला है, तो चार्ट पे यदि सिर्फ और सिर्फ यदि आप प्राइस एक्शन रीड कर रहे हैं तो दो चीज देखने की कोशिश कीजिए, एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, क्या कोई बेयरिश रिवर्सल कैंडल या फिर बुलिश रिवर्सल कैंडल या कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न कैंडलस्टिक का बन रहा है, और फिर एम और डब्ल्यू पैटर्न, यानी कि डबल टॉप डबल बॉटम या फिर आपको ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, यदि इस तरह का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कीजिए। ये हमने आपको ऑलरेडी प्राइस सेक्शन में ऑलरेडी सिखाया हुआ है, आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ, तो एक तो वो चीज है। अब फिबोनाची में यदि हम आते हैं तो डेली कैंडल पे जाते हैं, तो डेली कैंडल में यदि गए तो हमारा ये जो स्विंग है ये मतलब 16,800 से लेकर के अभी जो रिसेंट बना है उसका यदि इसने दिया है तो 0.6118, ये आपको इसने 16,182 को उसने कवर किया है, उसके ऊपर इनफैक्ट क्लोज दिया है। तो ये एक बहुत ही मेजर रिट्रेसमेंट लेवल है फिबोनाची रेशियो का, तो इसको आपको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा फॉर कमिंग डेज वीक जो भी बोलिए, क्योंकि ये आपका गोल्डन रेशियो वाला है 0.618 है, तो एक वहां पे आता है। तो ये प्राइस जोन जो है वो फिबोनाची सीरीज पे फिबोनाची के थ्योरी के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कि अभी तक हम इस प्राइस के जो मैंने आपको बोला है कि आप चार्ट्स पे डबल टॉप डबल बॉटम फॉर्मेशन को देखिए और उसके हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कीजिए, तो अभी तक इस प्राइस पे अभी तक कन्विंसिंगली हमने इसको इस ट्रेडिंग रेंज को ब्रेक नहीं किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, कन्फ्लुएंस बन रहा है फिबोनाची से, कन्फ्लुएंस बन रहा है प्राइस एक्शन से, तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए, प्राइस को यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा कि ये क्या करना चाहता है, ये यहाँ से ऊपर की जर्नी करना चाहता है या यहाँ पे पॉज देना चाहता है या यहाँ पे यहाँ से रिवर्स करना चाहता है, ठीक है। ये तीनों चीज को आपको ध्यान में देना पड़ेगा।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 0.618 का लेवल है जो आपको देखनी चाहिए। आइए इसको हम मूविंग एवरेज से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मूविंग एवरेज का यहाँ पे एक्शन है, प्राइस एक्शन जो है किन किन मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, किसके नीचे चल रहा है, कहाँ पे सपोर्ट किया है, डिफरेंट टाइम फ्रेम में क्या सब किया है, तो उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। सिंपल, हमने यहाँ पे कोई भी प्रोप्राइटरी कोई भी नहीं है, जो भी ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस में यूज किया जाता है 20-50-100-200, 20-50-100-200 उसी को लिया है और उसी को हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस जो यहाँ से चला तो 20, और ये अभी रिसेंटली 50 को किया है, और अभी 100 और 200 को क्रॉस करना बाकी, डेली चार्ट पे 100 और 200 को क्रॉस करना बाकी। तो ये इसको फिलहाल जब तक उसको क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक तो वो रेसिस्टेंस ही, मूविंग एवरेज के थ्योरी के हिसाब से जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक हम उसको रेसिस्टेंस मानते हैं। तो ये थ्योरिटिकल पॉइंट हो गया। तो मार्केट यदि ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले इस मूविंग एवरेज को 100-200 डे को क्रॉस करना पड़ेगा। वो तो हम नेक्स्ट वीक जब इसको एनालिसिस करेंगे कि क्या मार्केट ने किया तो फिर हमको पता चल जाएगा। लेकिन एक वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही वो यदि उस पॉइंट को क्रॉस करता है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही इस पॉइंट को यदि वो ब्रेक करता है, तो यदि आप ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं, चार्ट फॉर्मेशन को यूज करते हैं, तो एक बड़े चार्ट पे आपको डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा। बड़े चार्ट्स पे आपको डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिखाई देगा जैसे ही वो 100 DMA 200 DMA को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे EMA है वो देखेगा, तो जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा तो एक मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, दूसरा ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का प्राइस पैटर्न को उसने फॉर्म किया, तो ये दूसरा चीज ध्यान देने वाली बात होगी। अब आइए देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या इसका सिग्निफिकेंस है इस बॉटम का। रिसेंटली जो 15173 के आसपास जो बना है या 183 के आसपास जो बना है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, कहीं से आ रहा है? तो आइए उसको हम देखते हैं। हमने इसको वीकली किया, और वीकली किया तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने जो फिलहाल सपोर्ट लिया है वो 100 मूविंग एवरेज पे लिया है, लेकिन वो वीक का है। 100 वीक, इट मीन्स कि ऑलमोस्ट एक साल में 52 वीक्स होता है, यानी कि 2 साल के एवरेज को 52 वीक, और ये वीकली है, सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, यहाँ पे सही है, लेकिन हमारा ये वीकली कैंडल में ये परफेक्ट चलता है। वीकली कैंडल में मूविंग एवरेज में जो है वो सारी छुट्टियां आ जाती हैं, तो वीकली कैंडल उतना ही होगा, तो प्राइस एक्शन जो है यहाँ पे कोई भी आपको एरर आपको नहीं दिखना। तो आपको 100 का वीकली मूविंग एवरेज है, और यदि हम हिस्ट्री में देखने की कोशिश करें, यदि हिस्ट्री में देखने की कोशिश करें तो 100 वीकली मूविंग एवरेज जो है वो एक अच्छा सपोर्ट आपको हिस्ट्री में दिखाता आया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 50 का है, पर वो मेजर आपको सपोर्ट आपको यहाँ पे है, लेकिन ये बाउंस दिया और फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पे आपको तो 2016 में जो 6825 का जो आया था, 9119 से जो आपको है, तो 200 को सपोर्ट लिया था, लेकिन यदि मार्केट ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में होता है तो वो 100 को प्रोटेक्ट करता है। तो ये स्विंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट स्टार्ट हुई, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी रिसेंट लो बना है, जिसको हमको आपको सबको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे अब ये सारे चीज जो है वो एंटिसिपेशन है, मार्केट क्या करेगा वो हम जब नेक्स्ट सैटरडे संडे मार्केट के इसका फिर से टेप रीडिंग करेंगे, फिर से रिव्यू करेंगे, तो पता चल पाएगा कि मार्केट जो है वो क्या किया लास्ट वीक। लेकिन लास्ट वीक अभी तो हमको पता चल रहा है कि उसने एक ट्रेंड दिखाया, लेकिन अभी जिस जगह पे है, जिस जगह सपोर्ट लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जिस पॉइंट पे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मूविंग एवरेज के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से, प्राइस पैटर्न के हिसाब से, चार्ट पैटर्न के हिसाब से, हर तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक होने वाला है। प्राइस यहाँ से क्या क्रॉस करके ऊपर जाएगा या यहाँ से रिवर्स होगा, या एक
कंसोलिडेशन पैटर्न एक छोटा हो सकता है, वो दोजी बना सकता है, हो सकता है वो स्पिनिंग टॉप बना सकता है, या हो सकता है एक बहुत ही बड़ा लार्ज कैंडल बनाए या फिर एक बड़ा कैंडल बनाए। तो सैटरडे संडे को नेक्स्ट जो है वो हम जब इसको एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा हम लोगों को कि मार्केट ने एक्चुअली किया क्या किया इतने इम्पोर्टेंट जंक्शन पे जहां पे इतने सारे कन्फ्लुएंस जोन जो है वो इकट्ठा हो गए हैं। आशा करता हूँ कि आज जो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए केस स्टडी के लिए टेप रीडिंग जिसका किया था निफ्टी का, वो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। कुछ थ्योरेटिकल चीजें जो है वो आप लोगों ने सीखी होगी, यदि सीखी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि कोई भी ये रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी बाय सेल जो है वो हम रिकमेंड नहीं करते। हम जो प्राइस एक्शन हमको बोल रहा है वो चीज हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो इसको एक केस स्टडी के रूप में आप लोग ले। थैंक यू, नमस्कार।